पकड़ पकड़ पकड़। हमारा एक बत्तख का बचा हमारी ये देखें जी, कर दिया हमने दबा। ये देखें ये मुर्गी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक खैरियत होंगे। यार आज एक बहुत बैड न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है वो मैं भी बताता हूँ कि ये देखें। अभी मुझे खबर मिली है जी कि तुम्हारा एक बत्तख का बचा हमारी ये देखें जी, ये देख रहे हैं, ये एक बत्तख का बचा आज हमारा हमारी ये। रात को मैं ठीक ठाक छोड़ के गया था, रात को मैं ठीक ठाक छोड़ गया था कमरे में, सुबह आया तो बत्तख के बच्चा इधर बाहर बैठा हुआ था और मरा हुआ पड़ा हुआ था। ये वाला इधर ये मरा हुआ पड़ा हुआ है, उधर ये देखे जी मुर्गियों के हालात देखे, वो एक साइड पे जाके बैठी हुई है। हमारे पे सही बुरा वक्त आया हुआ है। अभी जल्दी से आना इस बत्तख को, है ना, किसी शापर वगैरह में डालते हैं, इसको फेंक के आते हैं। बाकी बत्तखें बाहर आ गई है भूखी वजह से। अभी इन बत्तख को डालते हैं जी यहाँ पे, इन बत्तखों को अपनी को डालते जी दाना। रोटी में लेकर आया हुआ था छत पे, अभी इनको डालते जी रोटी, और अपनी मुर्गियों को भी है ना निकाल के बाहर कुछ डाल देते हैं, दाना वगैरह भी डाल देते। अच्छा जी अभी जल्दी से चलते जी छत पे, मुर्गियों को क्या नाम है कबूतरों को भी दाना वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि कबूतरों को हमने है ना खोला ही है, सुबह से नहीं खोला। कबूतर इस टाइम काफ़ी भूखे हुए होंगे। अभी बस जल्दी से चलते हैं छत पे, कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं। आगे जी छत पे हम अभी दस्ती से खोलते हैं कबूतरों को बाहर। ये देखे जी सारे कबूतर हमारे, चलो जी अभी डालते जी इनको दाना। अच्छा मैंने एक और सोचा प्लान, क्या अब तक कहना मुर्गियाँ नहीं लेके आएंगे जब तक हमारा केज नया बनता जनता नहीं है, नया केज वगैरह हमारे नहीं बनते। जैसे हमारा नया केज वगैरह बनेंगे फिर हम नई चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि हमारा इन दिन के अंदर अंदर आना तकरीबन दो मुर्गियाँ मार चुकी हैं, दो बीमार पड़ी हैं नीचे, एक बत्तख का बच्चा भी मार गया है। किस वजह से जी? कमरे में रखने की वजह से। तो मैं जो सोच रहा था कि अब कोशिश करेंगे कि नया केज वगैरह या कोई मास्टर केज जो बने बनाए पोषण वाले मिलते हैं वो ले आएंगे, या कोई बने बनाए या बनवा लेंगे, क्योंकि इसके बगैर ना गुजारा नहीं है। तो अभी जल्दी से ना कबूतरों को दाना वगैरह भी डाल देते। ये रहा दाना जी, कबूतर हमारे बहुत भूखे हैं। ओहो कबूतरों का पानी, ये देखे कबूतरों का पानी भाई जी रोजाना गंदा हो जाता है। अभी दस्ती से है ना पानी भर के लाते जी नीचे से। अभी दस्ती से पानी भरते जी इनके लिए। जितनी देर में पानी भर रहा जरा मुर्गियों को अंदर देखते हैं क्या कंडीशन है मुर्गियों की अंदर जाके। आए ये देखे जी मुर्गियां हमारी जो है ना हिली नहीं रही, ये चेक करते हैं जी क्या कंडीशन है इनकी। ये वाली मुर्गी तो हमारी एंड लगी हुई है, और वो जो हमारी मुर्गी है वो तो आंखों से समझो नबीना हो गई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन मुर्गियों को है ना छुरी फेर दो, क्योंकि ठीक होने के चांस बहुत कम है। ये देखिए अभी इससे उठने भी नहीं हो रहा। ये देखें ये, अभी इसको दोनों को निकालते हैं सबसे पहले जी बाहर निकाल के, फिर मैं आपको इनको चेक कराता हूँ जी क्या क्या मसला है इनमें। अच्छा जी मैं इन दोनों मुर्गियों को लेके आ गया हूँ बाहर। ये जो मुर्गी है ना ये मुझे फिर थोड़ी बहुत ही है ना बेहतर लग रही है। ये देखे उस दिन तो इसकी आंख बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो फिर बेहतर होगी, अब बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क रह गया। और ये जो मुर्गी है ना हमारी ये वाली ये तो बिल्कुल ही एंड हो गई है, इससे उठे भी नहीं जा रहा। तो है ना अभी है ना जल्दी से है ना मैं कोशिश करता हूँ इस मुर्गी को है ना हम करते जी ज़बा, इसको छुरी छुरी फेर के ना इसको बस अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, क्योंकि मुर्गी बेचारी वैसे ही तड़प रही है। और ये देखे बत्तखे हमारे माशाल्लाह से बत्तखों के बच्चे पानी पी रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जल्दी से है ना इस मुर्गी को करते जी ज़बा, मुर्गी को कर दिया हमने ज़बा। ये देखें ये मुर्गी को मैंने कर दी ज़बा, अब जल्दी से है ना इस मुर्गी को जाके देते हैं नीचे घर में। अब वो इसको फ्राई करके ना इसकी चिकन कढ़ाई बनाएंगे, क्योंकि इसने वैसे तो मर जाना था, बीमार थी उठ नहीं सक रही थी,
मैंने कहा चलो इसको ज़बह करते हैं जी, ये देखे मुर्गी को कर दिया ज़बह, अब जल्दी से जाके देते जी नीचे, और बाकी अपना करते मुर्गी कबूतरों को डालते जी पानी। अब जल्दी से लेके चलते जी पानी छत पे, क्योंकि कबूतर मुर्गी को तो हमने कर दी ज़बह, कबूतरों को डालते जी ताज़ा ताज़ा पानी। कबूतर दौड़ दौड़ के आगे पानी देखे, ये देखे ये देखे, चलो जी पियो पानी। अच्छा जी कबूतर जब तक दाना वगैरह खा रहे हैं ना, तो जल्दी से चल के ना नीचे जाते हैं, अपनी जो बीमार मुर्गी है ना इसको डालते हैं जी फीड वगैरह दाना डालते, ताकि ये तो एक्टिव हो ना। ये देखे ये साइड है बैठी हुई है ये, अभी है ना इसको जर्सी से है ना दाना वगैरह खिलाते हैं, देखते हैं अगर ये बाई चांस बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी भी किस्मत है। अच्छा जी मुर्गी को डालते हैं अभी दाना, दाने के साथ है ना पानी भी मैं ले ही आया हूँ। ये देखे पानी में है ना रूफीन का सीरम मिक्स करेंगे, एरिनेक एरिनेक सीरम मिक्स करके डालेंगे जी इनको। देखा मैंने कहा था ना मुर्गी को नजर आना शुरू हो गया, अभी ये खुद बहुत खाना शुरू हो गया। अच्छा जी मुर्गी को मैंने छोड़ दिया, देखे नीचे हमारी मुर्गी है ना अब खुद खुद दाना खाना शुरू हो गई है, बतखों के बच्चे बेचारे सस बैठे हुए साइड पे, अब पीछे से मुर्गा भी आ गया तंग करने के लिए। चले चल पारी, ये मुर्गी है ना ये वाली, इसकी आंखें बिल्कुल है ना वाइट हो गई थी, वाइट होने की वजह से ना ये ना बिल्कुल देख पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, बस इधर कभी गिरे कभी इधर गिरे, एक दो दफ़ा तो नीचे चली गई घर में, तो फिर है ना अभी बहुत मुश्किल से है ना रोजाना इसको ब्रोफीन का सिरप हो गया, गोलियां डाल डाल के ना इसको थोड़ा बहुत गुजारे लायक ही है। अब माशाल्लाह से देखे दाना वगैरह खाने शुरू हुई है, उम्मीद है अब बहुत जल्दी है ना ये सेहतियाब भी हो जाएगी। अच्छा जी अभी जल्दी से है ना अपने जो ये वाला केज है ना इसकी अब करते हैं जी सेटिंग, जल्दी से ना अंदर जाके ना ये जो सुराख वगैरह ना इसके सारे करते हैं जी बंद, क्योंकि कल है ना कल इंशाल्लाह मैंने जाना है गाँव में, गाँव से मैं लेके आऊँगा काफ़ी सारे पैरेट, तकरीबन 20-25 पीस होंगे, तो इसलिए है ना आप जल्दी से है ना अपनी आज से सेटिंग करते हैं जी कंप्लीट, ये वाली भी और वो कोने वाली सेटिंग, जल्दी से मैं अभी ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाकर मैं अपनी सेटिंग करता हूँ जी कंप्लीट। अभी मैं आ गया जी ऊपर, ये देखे ये वाली सेटिंग, अभी है ना ये सुराख जो है ना इसको हमने करना है बिल्कुल बंद, क्योंकि यहाँ से तोते हमारे निकलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अभी अच्छा जी हमने ये जो है ना ये वाला सुराख जो था ना मैंने इसको कर दिया बंद, ये वाले हमारे सुराख कंप्लीट हो गया, इसके आगे मैंने फटे लगा के ना इसको बिल्कुल कर दिया जी बंद। अभी चलते जी नीचे, नीचे वाले जो सुराख है ना उसको दस्ती से करते जी बंद। अच्छा जी ये वाला सुराख भी हो गया बंद, अब बारी है इस सुराख की, ये सुराख देखे ये एक ये सुराख है बड़े वाला, अभी इसको भी है ना जल्दी से करते हैं जी बंद, ईंट वगैरह इसमें कोई बड़ी सी लगा दे ताकि ये वाला सुराख भी हमारा बिल्कुल बंद हो जाए। अच्छा जी बाकी सारे सुराख हो गए बंद, वो वाला सुराख भी बंद हो गया, अब वो रह गया जी वो एक एंड वाला सुराख, अब इसको बंद करने के लिए ना हमें या तो इसके ऊपर चढ़ के ना वहाँ पे पत्थर वगैरह रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो सुराख है ना बहुत ऊपर करके है, तो अभी है ना उस वाले सुराख को हम करेंगे जी जल्दी से बंद, मैं चढ़ता हूँ ऊपर फिर मैं करता हूँ सुराख को भी बंद। अच्छा जी जाली होगी बिल्कुल फिक्स, ये देखे जाली लगा दी हमने इसके अंदर, बाकी हमारा पूरा कम्प्लीट हो चुका है, इस टाइम सारा कम्प्लीट हो गया, बस अब एक दो चीज़ें रहेगी वो कोने वाली जाली सेट करनी, अब दस्ती से बस उसे सेट करते हैं। अच्छा जी हमारा ये वाला भी सुराख है ना बंद हो गया, क्योंकि अब हमारा जो पूरा जाल है ना केज ये वाला पूरा केज अब हो गया सेफ, अभी दस्ती से उतरते हैं जी नीचे, क्योंकि हमारा ये वाला सेटअप जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी हमारा जो केज का काम है ना वो हो गया कंप्लीट, अभी है ना हमने मुर्गियों को डाला है जी ये ताज़े ताज़े है ना सेब के गंद वगैरह ना जो ऊपर से छिलके वगैरह उतरे हैं ना वो हमने डाल दिए जी इनको मुर्गियों को, ये हमारी मुर्गियाँ बतखे हमारे देखो माशाल्लाह से है ना सेब के छिलके भी खाने शुरू हो गई है। अभी अच्छा जी जल्दी से है ना कबूतरों को अभी करते हैं जी बंद और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में कल न्यू व्लॉग में, और इंशाल्लाह गांव में जाएंगे आपको गांव का विजिट कराऊंगा, गांव का भी चेकअप कराऊंगा जी अपने, वहाँ से हम पैरट वगैरह भी हमने तोते वगैरह भी लेके आने हैं, गाँव का आपको विजिट भी कराएंगे और चेक भी कराएंगे जी गाँव की खूबसूरती, इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी अल्लाह हाफिज़।